हम लोगों का मांग है जो किसान को उचित दाम पर खाद बीज का मुहैया हो, लेकिन यह जिला कृषि पदाधिकारी के गलत नीति के चलते प्रत्येक प्रखंड में, मधुबनी जिला के प्रत्येक प्रखंड में कहीं भी उचित दाम पर खाद बीज नहीं मिल रहा है। कहीं भी जो 266 रुपये यूरिया के रेट है वह 500 से 600 रुपये बोरी मिलता है, और जो DAP का रेट 1200-1300 के नज़दीक है वह 2000 पर मिलता है, वो भी चोरा के देता है। हम ऐसे सफ़ेद आदमी को, नेता को, ये बोरा नहीं दे सकेगा, वह नहीं देता है। और जो कमज़ोर दवा कुचला आदमी है उसे पैसा ले लेता है और चोरा के किसी गली से, किसी काउंटर से इसको निकाल के दे देता है। हम पूछते हैं, अरे भैया तुम कहाँ से लाया? तो हम तो फन्ना ट्रेडर से लिए हैं। कितना में दिया? तो 2000 में। हमसे हिम्मत नहीं होता है, हार के मजबूर होके हमको भी इसी बिचौलिया को देना पड़ता है। तो ऐसा जो भ्रष्ट है, हम लोग इसी डिमांड पर हैं, जो खाद बीज में भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए। किसान की हक की बात है, क्यों लोग अन्न खाएगा, पैसा कमाएगा, उसे पैसा नहीं खाएगा, कोई रुपया नहीं खाएगा, अन्न खाएगा, अन्न खाना होगा। आज जन वितरण के माध्यम से 4 किलो गेहूँ, 6 किलो चावल मिलता था, लेकिन आज जन वितरण के माध्यम से 1 किलो गेहूँ, अगर आपको 2 यूनिट है तो मात्र 2 किलो गेहूँ और 18 किलो चावल मुहैया कराया जा रहा है। अभी SDM साहब आए हुए थे, अभी SDM आए हुए थे, आप लोगों को क्या आश्वासन? हाँ, SDM साहब आए हुए थे, हम लोगों को आश्वासन दिए हैं जो 2 दिन के अंदर आप लोग इस धरना प्रदर्शन को समाप्त कीजिए, आगे नहीं बढ़ाइए। हाँ, और आप लोगों को घर पर, हर प्रखंड में, हर जगह खाद उचित दाम पर मिलेगा। हमने इनको विरोध किया है, सर कहने से नहीं होगा, आप कहते हैं लेकिन हमको विश्वास नहीं है जो हमको उचित दाम पर मिलेगा। पहले तो कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो रोटी रहेगी ही नहीं तो आवाज़ कहाँ से उठेगी। आज अगर 2 दिन से धरना पर बैठे हुए तो गला बज गया है, तो भूखे पेट नहीं होता है ना। पहली लड़ाई रोटी के लिए, आगे अनवरत हर मामले में लड़ाई चलती रहेगी। यानी कि आपका कहना यह है कि पहले रोटी के लिए, उसके बाद जो भी मुद्दा है आएगा, हम लोग सामने आएंगे, एकदम सामने आएंगे, पूरी शक्ति के साथ सामने आएंगे और शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। ऐसे भ्रष्ट जिला कृषि पदाधिकारी को लात जूता से भी मारने का प्रयास करेंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दें। राष्ट्रीय न्याय महासभा का जिला अध्यक्ष राजा ठाकुर नाम हुआ। अपने जनहित में सोशल वर्कर सेवा में लगे रहते हैं, यह प्रथम मौका है हमारा जो किसान हित में, जनहित में मैं सड़क पर मैं उतरा हूँ, और इस कार्य को करके मुझे अपने आप में किसान जी के समर्थन में, जो हमारे माता पिता हैं, अन्न देवता हैं, उनके समर्थन में अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। क्या लगता है कि सर आए हुए थे, आप लोग को आश्वासन दिए हैं क्या? उनके आश्वासन पर पूर्ण विश्वास है। मधुबनी नगर में सबसे बड़ा अतिक्रमण मुक्त करवाया उन्होंने, भू माफिया से मुक्त कराया मधुबनी जिले नगर को। अब देख लीजिए, प्रशासन हो के एक प्रशासन पर कार्रवाई, जिला कृषि पदाधिकारी इतना बड़ा, जो किसानों के अहित में काम करने वाले जिला कृषि पदाधिकारी, जो माफिया है, भ्रष्ट है, क्रिमिनल है, वो माफिया सबको लेकर चल रहा है, और किसान यहाँ भुखमरी पर है, वहाँ आत्महत्या के कगार पर है, उनके खिलाफ जो आज जनहित में हमारे SDO श्री अश्वनी कुमार सर जी जो कार्रवाई किए हैं, उनको हम लोग मधुबनी नगर के, मिथिलांचल नगर के एवं जन जन की ओर से उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और उनके समर्थन में रहेंगे। और सर एक बात और याद रख लीजिए, अगर मधुबनी जिला से, अगर जिला अधिकारी महोदय जी अगर उनको यहाँ से नहीं बर्खास्त करते, यहाँ जिला से नहीं हटाते हैं, तो परसों सोमवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। अगर उससे भी नहीं हुआ तो अपने किसान हित में मैं आत्मदाह भी करूंगा, ये आप लिख लीजिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पद्माकांत यादव, छात्र नेता आर के कॉलेज प्लस, मैं एक किसान परिवार से हूँ, तो मैं जानता हूँ यहाँ जो जितने ब्लॉक में जो किसान कोऑर्डिनेटर है ना, जिनको लाइसेंस मिला गया है, सब ब्लॉक के विकास पदाधिकारी और कृषि विकास पदाधिकारी से मिला हुआ, और समाज में जो किसान है, कम पढ़े लिखे, कॉलर पकड़ के दुकानदार भगा देता है कि खाद नहीं है मेरे पास, जाइए जहाँ जाना है, जो करना है। कॉलर काहे पकड़ेगा? तो अरे भाई, बोलेगा हमको खाद दीजिए, तो बोलेगा 550 लगेगा ना, रेट तो है आपको 350, अरे 266 यूरिया, बोलेगा नहीं है मेरे पास, जहाँ आपको जाना है। तो मैं मधुबनी SDO से अभी तो आश्वासन दिया हूँ, SDM साहब आए हुए थे, आश्वासन भी दिए हैं, और इसीलिए धरना प्रदर्शन को ख़त्म किया गया है, आपको कितना उम्मीद है? जायज है, मधुबनी SDO बहुत ईमानदार आदमी है, अच्छे व्यक्ति हम जानते हैं, लेकिन उनको और अपने जो ब्लॉक के जो उनके कृषि पदाधिकारी है ब्लॉक स्तर पे, उसको भी आगाह करना होगा कि आप ब्लॉक के सभी जितना जन वितरण प्रणाली है उस पे जाइए, उसका छापा मारिए, दुकान यहाँ है और गोदाम 150 मीटर के दूर में है, 2 किलोमीटर के अंदर है, और सामने में दिखाने के लिए 2 बोरा रखता है, 3 बोरा रखता है, और गोदाम कहीं कहीं है मधुबनी में, गंगा सागर से लेकर और बाटा चौक तक सबका दुकान के सामने 2 बोरा मिलेगा, और गोदाम में 1000 बोरा, 500 बोरा, एक दुकानदार का नहीं, सभी का ये हाल है। आप देख सकते हैं कि लोगों का गुस्सा वाजिब है, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीब किसान
जब तक उनको खाद नहीं मिलेगा, जब तक उनको खाद सही से नहीं मिल पाएगा और अच्छे सस्ते दामों में, वो कहाँ से फसल को उपजाएंगे।